चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। आज चालू करने वाले नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और जैसे कि आपको पता होगा, सीबीएसई ने एमसीक्यू पैटर्न जारी कर दिया है, तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो पूरा चैप्टर है वो आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही पढ़ना है। तो चलिए, जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं चालू नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पहले ही कवर कर लिया। हमें यह भी पता है कि नेशनलिज्म का मतलब यह होता है कि देशभक्ति और देश के लोग कैसे यूनाइट होते हैं एक कॉमन गोल के लिए। जैसे इंडिया में गोल क्या था कि आपको आजादी चाहिए ब्रिटिशर्स से, वैसे ही यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती है, क्योंकि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। जैसे कि इटली है, आपकी फ्रांस है, जर्मनी है, पर्शिया है, बेल्जियम है, ग्रीस है, और भी बहुत सारी कंट्रीज आती है। और हमें यह समझना है कि इन सारी कंट्रीज ने उस समय पे यूनाइट कैसे हुए, इंडिपेंडेंस के लिए कैसे लड़ा, और एक यूरोप को यूरोप कैसे बनाया। तो चलिए पहले चालू करते हैं इस चैप्टर के छोटे से भाग से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। याद होगा क्लास नाइन्थ में ये चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने पूरे विश्व को, जिसने पूरे वर्ल्ड को एक लड़ने का जरिया बताया। इसलिए लिखा गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड। पहला जो इवेंट हुआ था पूरे वर्ल्ड में, रिवॉल्यूशन मतलब आपको बताइए कुछ नया ला, तो पूरे वर्ल्ड में जो पहला इवेंट हुआ था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहले राजा लुई 16 बनते, लुई 16 के बाद रॉबस्पियर बनते, रॉबस्पियर के बाद नेपोलियन बनते, नेपोलियन फ्रांस के राजा 1804 में बनते। ये भी आपको पता ही होगा, नेपोलियन बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1804। 1804 में जब ये राजा बनते तो ये पुराने राजा जैसे नहीं थे, जो पुरानी सोच रखते थे, ये थोड़े नए, इन्होंने नए चीजों की तरफ फोकस किया। जैसे जब ये 1804 में राजा बने, ये डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी 1804, क्यों, क्योंकि वर्तमान में इंपॉर्टेंट चीज। 1804 में राजा बनते तो ये कोड बनाते, ये एक नए रिफॉर्म्स लाते। उस कोड का नाम बनता है सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड, दो नाम है, सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 इसलिए क्योंकि नेपोलियन दब गए। अब इन्होंने क्या क्या लाया फ्रांस में समझिए। सबसे पहले इन्होंने जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो जैसे वहां के लोग थे जिनको अगर बॉर्न हुए आप क्लर्जी और नोबिलिटी में तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, वो इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने टैक्सेस को हटाया, कस्टम ड्यूटीज जो होती है, कस्टम ड्यूटीज आप समझते होंगे कि अगर एक जगह से हम दूसरी जगह सामान बेचते हैं तो वहां पर ड्यूटी लगती है, उसको खत्म किया गया। नेशनल असेंबली बनाई गई, ऐसा नहीं कि राजा ही रूल कर रहा है, असेंबली को भी समय दिया गया। फिर इन्होंने एक वेट्स और मेजरमेंट का भी सिस्टम लाया। ये हमने पढ़ा कि नेपोलियनिक कोड क्या होता है, नेपोलियन कब है। अब हम आगे की चीज देखते हैं। चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि नेपोलियनिक कोड क्या होता है और नेपोलियन 1804 में आ गया फ्रांस में। अब हुआ क्या, जो भी नेपोलियन ने चीजें लाई, प्रिविलेजेस एंड करना, टैक्सेस को खत्म करना, और भी जो स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट लाया, उसने सोचा कि मैं दूसरे यूरोप के देशों में भी उसे फैलाऊंगा, पर वो फैला नहीं पाया। क्यों नहीं फैला पाया, क्योंकि दूसरे देशों की आर्मी अलग थी, दूसरे देशों का पॉलिटिक्स अलग था, दूसरे देशों में लॉस अलग थे, दूसरे देशों में सेंसरशिप लगा हुआ था, सेंसरशिप मतलब एक कानून। अब हम इस चैप्टर में आगे जब पढ़ते तो हमें एक टॉपिक देखने को मिलता है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब एरिस्टोक्रेसी, ये वर्ड आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मैंने लिखा हुआ है मतलब राजाशाही का परिवार। राजाशाही मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग कि जो राजा लोग होते हैं, और जो भी वो भी शाही परिवार के, जिनके पास अच्छे लेवल का पैसा होता है, जो टैक्स नहीं भरते हैं, जो प्रिविलेजेस हैं उनके पास, जो बाय बर्थ ही उन्हें कुछ राइट्स दिए हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी। अब हुआ क्या यूरोप में एरिस्टोक्रेसी बढ़ रही थी, राजा लोग बढ़ रहे थे। और राजा लोग कनेक्ट कैसे करते थे दूसरे से, राजा लोगों की एक खासियत थी कि शादियां बहुत करते थे, और शादियां भी दूसरे दूसरे देशों से, दूसरे दूसरे किंगडम से। तो क्या होता था कि मान लो कोई फ्रांस का राजा है, उसने ऑस्ट्रिया की रानी से शादी करी, तो अगर फ्यूचर में कभी भी फ्रांस के ऊपर हमला होता है तो ऑस्ट्रिया की आर्मी भी आएगी उसे बचाने, क्योंकि वो उसका ससुराल है। तो ये क्या करते थे, इनके पास जो पैसा आता था वो भी दहेज से आता था, डाउरी से आता था, टैक्सेस भरते नहीं थे, तो इसलिए राजाशाही जो थे ये पैसे वाले बन गए। ठीक है, अब ये द किंग्स वर कनेक्टेड बाय मैरिजेस, जैसे मैंने बताया। अब हुआ क्या यूरोप में,
ये एरिस्टोक्रेसी तो बढ़ रही थी, ये राजा लोगों के परिवार तो बढ़ रहे थे, पर फिर एक नई चीज आती है, द न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही है। मिडिल क्लास मतलब ऐसे लोग जो एकदम मिडिल में होते हैं, जो टैक्स पेयर है, टैक्स पे करते हैं, और इसमें कॉमन एग्जांपल होते हैं बिजनेसमैन, कॉमन पीपल, पीजेंट्स, वर्कर्स, लेबरर्स वगैरह वगैरह। अब ये ऐसी क्लास थी जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड। अब आपको ये पता है एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। अब अगर ये लोग एजुकेटेड है तो अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई जो तुमने राजा लोगों को फोकट के प्रिविलेजेस देके रखे कि टैक्स पे करना नहीं है, पैसे कमाते जाने, डाउरी लेते जानी है, शादियां करते जानी है, उन्होंने बोला ये गलत है। उन्होंने डिमांड ये करी कि ये चीज ही गलत है। द एजुकेटेड मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनल यूनिटी। इन्होंने क्या बोला कि अब एक यूनाइट भी होना है तो पूरे नेशन को होना है। और उन्होंने बोला कि एंड अपोज द प्रिविलेजेस, मतलब इन्होंने बोला कि जो भी प्रिविलेजेस दिए, जो भी राइट्स दिए राजा लोगों को, जैसे पहला मेन इंपॉर्टेंट राइट तो टैक्स पे करना, उसको अपोज किया, उसे मना किया, ठीक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किया और इन्होंने बोला कि जो राजा लोगों की एरिस्टोक्रेसी है जो हमने बोला वो भी खत्म करो, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ये हमने पढ़ा कि न्यू मिडिल क्लास ने डिमांड क्या करी, और ये हमने कौन से कॉन्सेप्ट में पढ़ा, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में, ये सारी पॉलिटिक्स की बात है। पर एक और चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना सब लोग। इकोनॉमिक्स में इन्होंने ये चीज करी, इकोनॉमी वाइज उन्होंने एक चीज बनाई थी जिसका नाम था जोल्वरिन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। जोल्वरिन क्या था, इन्होंने पॉलिटिक्स में तो बोल दिया कि राजा लोगों के राइट्स को खत्म करो, पर जोल्वरिन क्या एक चीज थी, एक यूनियन था। यूनियन का मतलब होता है संगठन, एक इंस्टीट्यूशन था, और ये कस्टम यूनियन था। ये वर्ड पे ध्यान रखना, कस्टम यूनियन। अब इस यूनियन के अकॉर्डिंग, इस यूनियन के अकॉर्डिंग जो भी टैरिफ बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स मतलब अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जा रहा है तो उसके ऊपर कुछ बैरियर्स लगते हैं, उसके ऊपर कुछ पैसा लगता है, टैक्स लगता है, जो भी टैरिफ लगता है उसको बोलते हैं हम टैरिफ। वो हटाया किसने, जोल्वरिन। जोल्वरिन एक यूनियन का नाम था, जैसे अपने आप में भी बहुत सारे यूनियन बनते तो हम उसका कुछ नाम रखते हैं, वैसे यूरोप में इसका नाम जोल्वरिन रखा गया था, जो क्या था, एक कस्टम यूनियन था जिसने बैरियर्स को हटाया। इस वीडियो के लिए इतना ही कि हमने ये पढ़ा कि जोल्वरिन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम और यूरोप में जानेंगे, हम ये जानेंगे कि नेपोलियन जो राजा बना क्या वो एक अच्छा राजा था, क्या वो फिर डिफीट होता है, कौन डिफीट करता है उसे, क्या होता है ट्रीटी ऑफ वियना, क्या होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हम सब पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।